मोहनलाल खट्टर आगे चल रही है। मोहनलाल खट्टर आगे चल रही है जी। और बाकी कितने रुझान अब तक आ गए? फिलहाल तो सिर्फ वहीं का आया और ये बताया, ये अपडेट है कि मैं मोहनलाल खट्टर जो है राजस्थान में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। ब्रेकिंग मनुराज, सिर्फ इसलिए नहीं कि 291 सीटों पर आगे चल रही है, अगर रुझानों की बात करें तो जादुई आंकड़ा रुझानों में, जादुई आंकड़ा 272 का रुझानों में एनडीए गठबंधन ने हासिल कर लिया है और ये 470 सीटों का ही अभी रुझान है। 470 सीटों के रुझान में 291 रुझानों में आगे चल रही है एनडीए गठबंधन और रुझानों में बहुमत पा लिया एक तरीके से कहा जा सकता है एनडीए गठबंधन ने। और इस पर टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मीकांत जी, रुझानों में बहुमत आपने ले लिया है? रुझान है लेकिन ये रिजल्ट बदल भी सकते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान भर में बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बात भी तय है। हिंदुस्तान जनता तय कर लिया, संकल्प के साथ हिंदुस्तान जनता खड़ी है। इस बार फिर से ईमानदार सरकार को, एक शासक नेतृत्व वाली सरकार को फिर से चुनना है। इसके लिए रुझान ही काफ़ी है और रुझानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 294 पे एनडीए आगे चल रहा है। इस बात को साबित करता है कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तानी जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वे आवास के माध्यम से किया हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया हो, या गांव गांव नल पहुंचाने का काम किया हो, या हमने जनरल खाते रुझानों में एनडीए 294 सीटों पर आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन 160 सीटों पर आगे चल रहा है, राजस्थान की भी सभी सीटों पर 25 सीटों का रुझान आ गया है। इसमें बीजेपी 20 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है और अदर के खाते में एक सीट आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये सिर्फ रुझान है, अभी नतीजा आना बाकी है, टैली बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है, लेकिन कम से कम ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है कि बहुमत रुझानों में हासिल कर लिया गया है और ये जो फासला है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे यहाँ पर है और बीजेपी 20 सीटों पर लीड कर रही है रुझानों में, 20 सीटों पर राजस्थान में लीड कर रही है। एसपी मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए। एसपी मित्तल जी, बाड़मेर और जालौर की जरा हम बात कर लेते हैं। बाड़मेर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, तिकोड़िया मुकाबला था और इसमें यहाँ पर निर्दलीय जो यहाँ पर टाल ठोकी थी भाटी आगे चल रहे हैं, इस पर आप कहना क्या चाहेंगे? जालौर को लेकर भी आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगी क्योंकि जालौर में भी टफ मुकाबला था, गहलोत की यहाँ पर पूरी तरह से साथ, दावपति और वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से टैली में दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस 4 संसदीय क्षेत्रों में आगे है लेकिन उसमें जालौर सिरोही शामिल नहीं है, अपने आप बहुत महत्वपूर्ण बात है। जालौर सिरोही के अंदर हम जानते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए अशोक गहलोत साहब ने अपनी सारी प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। राजस्थान भर के उनके फॉलोवर जालौर सिरोही चले गए, वो खुद क्या नाम से कलकत्ता तक गए और इसलिए गए कि जो वहां के जो लोग राजस्थानी रहते हैं उनको यहाँ के मतदान कराया जाए, पूरी ताकत लगाई गई जालौर सिरोही से वैभव गहलोत को जिताया जा सके। लेकिन रुझान भी है क्या नाम से जालौर के अंदर कांग्रेस हार रही है तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य को भी अब ये तय किया जाएगा कि आखिर जब वो अपने पुत्र को नहीं जिता पाए तो कांग्रेस पार्टी का क्या। हालांकि 25 सितंबर 2022 को जो बगावत हुई थी और अशोक गहलोत साहब ने जो निर्णय लिया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में उनके राजनीतिक भविष्य विराम लग गया था, लेकिन फिर भी एक आशा थी कि गहलोत सिरोही से उनके पुत्र जीतते हैं चुनाव तो एक क्या नाम से उम्मीद की जा रही थी कि उनके पुत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस जो परिणाम जो रुझान सामने आया उससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो क्या नाम से हारने के उसको जा रहे हैं। अब जिस तरीके से बाड़मेर की बात है, शुरू से आप देखिए रविंद्र भाटी जो थे वो अग्रसर थे, वहां उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीते और उसके बाद जब लोकसभा की बारी आई तो इस बात की कोशिश की गई कि उनके भारतीय जनता पार्टी से क्या नाम से समझौता हो जाए। आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के जोधपुर तक भी आए भी, मुझे लगता है कि शायद पार्टी ने जो शर्तें रखी होंगी भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात की चुनौती दी कि क्या नाम से वो उम्मीदवार वहां पे बने और लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे। बाड़मेर जैसलमेर तक जानते केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर है और जिस तरीके से क्या नाम से वहां पर कांग्रेस ने रातों रात आरएनपी से लेकर उम्मीदवार राम बिश्नोई को अपना उम्मीदवार घोषित किया, उससे भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सिरोही जालौर से, बीजेपी के लुम्बा राम चौधरी आगे, जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे हैं। सिरोही जालौर से कांग्रेस के वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी,
आगे चल रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेदराम बेनीवाल हैं, वो दोनों ही पिछड़े हुए हैं इस वक्त के रुझानों के मुताबिक। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर सीट से एक टिप्पणी जल्दी से मैं लेना चाहूंगा यहां पर राकेश बिल से। राकेश जी, इतिहास कहते हैं कि दोहराता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि राजस्थान के चुनाव नतीजों में अगर रुझानों को सही माने तो इतिहास दोहरा नहीं रहा, इतिहास बन रहा है। चार सीटों के रुझानों पर कांग्रेस आगे और एक निर्दलीय भी आगे हैं। रविंद्र सिंह भाटी जी, रविंद्र जी मैंने पहले ही कहा था इस जो जब नतीजे आएंगे तो हम देखेंगे बड़े बड़े विकेट गिरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि विकेट सिर्फ कांग्रेस ही गिरेंगे या अदर इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं गिरेंगे, वो उसमें कुछ भाजपा के नेता भी हैं जैसे कैलाश चौधरी जी भी पीछे चल रहे हैं, तो ये एक बड़ा विकेट है जो भाजपा गिर रहा है, लगभग गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था तो ये स्पष्ट था कि शायद वहाँ पे कुछ उलटफेर हो सकता है, वो अब दिखाई भी दे रहा है। और पर फिर भी देखिए जनमत है, जनता की ये भावना है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता जिसको लक्ष्मीकांत पारेख जी हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये चार सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे है, एक पर निर्दलीय से पिछड़ रहे हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री जी। ये लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी इस महापर्व पर अपने हिंदुस्तान की जनता ने इस लोकतंत्र के महापर्व को एक उत्सव के रूप में मनाया है, और उस हिंदुस्तान जनता से पहले आपके माध्यम बधाई देता हूँ। साथ ही आप राजस्थान के विषय में आपने जो प्रदेश में बात की है, राजस्थान में आपके रुझान दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है और चार सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर अन्य दल है। ये रुझान जब वास्तविक परिणामों बदलेंगे तो राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बात बिल्कुल तय है। आप जिस प्रकार से आपने चूंकि आज ठीक नहीं है मैडम सुन लें प्लीज़, आपने जिस प्रकार से हम सब सारे विश्लेषण आपने किए हैं और विश्लेषण के आधार पर आपने कहा थोड़ी देर पहले आप कहते प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे हैं, सिलाई विधानसभा क्षेत्र का कुछ क्षेत्रों में आगे चल रहे थे, आप वापस पीछे हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है, बात बिल्कुल स्पष्ट रख सकते हैं। इसके मुख्य कारण है जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने काम किया और जिस प्रकार से पिछले सिर्फ तीन माह का समय मिला है उसके कालखंड में 5 वर्षों के असफल गहलोत के कार्यकाल को के बाद भारतीय जनता पार्टी बजराज सरकार ने सफलतापूर्वक 100 दिन के अंदर काम किए, उन सबको लेकर राजस्थान बड़ी खबर अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं, अपने आप में ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले बीजेपी लीड कर रही थी और अब यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है, तो यहाँ पर देखिए जयपुर शहर हो या फिर जयपुर ग्रामीण हो, दोनों से यहाँ पर अब कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। सिरोही जालौर से हालांकि बीजेपी के लुम्बन राम चौधरी आगे चल रहे हैं, लेकिन सिरोही जालौर से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं, अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी थी वैभव गहलोत की जीत के लिए, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनकी पत्नी भी चुनाव प्रचार के लिए उतरी, वैभव गहलोत की पत्नी साथ ही अशोक गहलोत की भी पत्नी यहां पर उतरी, बड़ा मार्जिन हो गया है। देखिए बड़ा मार्जिन 5898 वोटों से आगे चल रहे हैं, उधर अनिल चोपड़ा 5868 वोटों से जयपुर ग्रामीण सीट से अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं और मंजू शर्मा, हां मंजू शर्मा 349 सीटों से आगे चल रही है, दूसरी युवा चेहरा है अनिल चोपड़ा, और जाहिर तौर पर इनके साथ चूंकि बाइक राइड भी हम लोगों ने की थी तो यहाँ पर कुल मिलाकर कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे, लेकिन अगर वो एक बड़ी लीड के साथ आगे चल रहे हैं तो ये अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज है। और सवाल यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी आपसे भी जरूर जाहिर पर तौर पर पूछना चाहूंगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जयपुर शहर हो या जयपुर ग्रामीण हो, जयपुर शहर में तो खैर आगे हो गई है मंजू शर्मा भी 349 वोटों से, जयपुर ग्रामीण में अच्छा मार्जिन है, ये मार्जिन बहुत कम है, मतलब बहुत टफ है, आगे पीछे बहुत जल्दी हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी आपने जयपुर शहर के बारे में बता देता हूँ, जयपुर शहर के जब भाग संख्या एक से शुरुआत करते हैं तो कई बार हसनपुरा से शुरू होकर के और जिस बार जालूपुरा और बाकी रामगंज जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है जहाँ पर कांग्रेस का परंपरागत वोट है वो से मिलता है, तो संभावित रूप से पहले शुरुआती दौर में जब सिविलाइज विधानसभा क्षेत्र चलता है तो हसनपुरा शांतिनगर इत्यादि क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कांग्रेस का परंपरागत वोट रहता है, वहाँ से आगे हमेशा आप विधानसभा का देख। और इस वक्त की बड़ी खबर देशभर के रुझानों में, एनडीए 300 पार हो चुकी है, देशभर के रुझानों में इंडिया 170 सीटों पर आगे है, राजस्थान की सभी सीटों के भी रुझान आ चुके हैं, राजस्थान में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है, रुझानों में राजस्थान में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है, सभी 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं, देशभर के रुझानों में एनडीए 300 पार रुझानों में हो चुकी है, देशभर के रुझानों में इंडिया गठबंधन 170 सीटों पर आगे है और सभी राजस्थान की सीटों पर जो रुझान आए इसमें 20 सीटों पर बीजेपी आगे है जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। लोकसभा के 491 सीटों के जो रुझान मिल रहे हैं 543 उसमें 302 सीटों के रुझानों में
एनडीए गठबंधन आगे और बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो 66 सीटें कांग्रेस रुझानों में आगे, 256 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लगातार ये ब्रेकिंग चलती रहेगी। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजेंद्र यादव जी। बीजेपी ने पहले से ही कहा है कि 400 पार हम लेके आ रहे हैं रुझानों में, हालांकि 400 पार तो नहीं, 300 पार तो दिख रहा है। देखो अभी रुझान है और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही निर्णय कर दिया था कि हम 400 पार हैं और जो एग्जिट पोल आए उन्होंने भी 400 पार तक पहुंचा दिया। किस सीट पे कितना मार्जिन है, क्या है, अभी रुझान है, रुझान देखिए। बाकी राजस्थान की जहां तक बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में पिछली जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसके अच्छे कामों के नतीजों के रहे, उन कामों की बदौलत और जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा जी को मिला, उसके बाद में लगातार हमने भारतीय सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए और एक माहौल तैयार किया और उन 3 महीने के अंदर आज प्रत्येक आम आदमी, ग्रामीण परिवेश के लोग, शहर के लोग ये महसूस करने लग गए कि कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार अच्छी थी और उसी का परिणाम है कि हमने प्रत्येक 25 की 25 सीटों पर बीजेपी को बहुत मजबूती से टक्कर दी है। और जो ये एक बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, संजना जाटव कांग्रेस की आगे चल रही है, भरतपुर से संजना जाटव कांग्रेस की आगे चल रही है, राजसमंद से महिमा कुमारी आगे चल रही है, जोधपुर से 44 वोटों से कर्ण सिंह उचियारड़ा आगे हो गए, करौली धौलपुर से बीजेपी की इंदु देवी आगे चल रही है, भरतपुर से संजना जाटव आगे चल रही है। जल्दी से एक इस पर टिप्पणी ले लेता हूं, भरतपुर से राजेंद्र यादव आगे चल रही है और भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जाहिर तौर पर संजना जाटव 25 साल की प्रत्याशी, लेकिन ये तो रुझान है। अभी परिणाम में परिवर्तन होंगे, थोड़ा समय का इंतजार, मतलब जो आपके फेवर के रुझान है वो परिणाम में होंगे, जो आपके अगेंस्ट है वो बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ 25 की 25 सीटों पे हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और जनता ने जो जनादेश दिया है, जनता ने जो वोट दिया है, जनता की जो भावना है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि अभी रुझान है, अभी शुरुआत हुई है, समय आते आते हम इन रुझानों को परिणामों में बदलेंगे। भरतपुर भी हम परिणामों में बदलेंगे, गृह जिला मुख्यमंत्री जी का है, अपराध की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करने का समय नहीं है। आप जो बता रहे हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार को जनता ने अस्वीकार कर दिया है और उस अस्वीकार के कारण हमें आज अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके माध्यम से। एसपी मित्तल सर, 4 सीटें अगर मैं देखूं कांग्रेस की जिन पर आगे चल रही है, तो झुंझुनू, दूसरी भरतपुर, तीसरी अभी जोधपुर में भी बढ़त बना ली है और चौथी जयपुर ग्रामीण, ये बदल भी सकते हैं आगे चलकर। हम जब लगा